अगर आप भी आईकॉन यो 7 प्रो को यूज़ कर रहे हो और फ़ोन के अंदर आपको टच इशू, हीटिंग इशू, लैग इशूज़ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर टच इशू बीजीएमआई के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसका 100% सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था भाई आईकॉन यो 7 प्रो के अंदर क्या क्या इशूज़ थे, उसके अंदर भाई टच इशू भी एक था जो कि भाई थोड़ा प्रॉब्लम देता है गेमिंग के टाइम पे। तो वीडियो को पूरा देखो, ये जो सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रहे हैं इसका 100% सॉल्यूशन मैं दूंगा, पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखते हो तो। तो चलो भाई, ये मेरे पास भी आईकॉन यो 7 प्रो है, मैंने दो आईकॉन यो 7 प्रो को यूज़ किया है और दोनों के अंदर मैंने देखा था सेम इश्यूज़ हैं। तो अगर आपको लग नहीं रहा है कि आपके फ़ोन में इश्यूज़ हैं, फिर भी हो सकता है क्योंकि भाई आपने शायद इसके पहले ऐसा कोई फ्लैगशिप फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं किया या फिर उतना ज़्यादा आप लोग गेमिंग नहीं करते, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर इनेबल, जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ उसको भाई फॉलो कर वो सब चीज़ को इनेबल, डिसेबल और कस्टमाइज़ कर लेना। उसके बाद आपको जो मतलब गेम है ना एकदम मतलब मक्खन की तरह चलेगा और आप लोग क्लोज रेंज में बहुत अच्छे से लॉन्ग रेंज में स्प्रे दे पाओगे और प्रॉब्लम्स वगैरह आपके साथ नहीं आने वाला है। कोई लैग इशू, हीटिंग इशू, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लैग होता है, वो भी अपर नहीं होने वाला है। तो चलो गाइस जरा स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उसके पहले चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस वगैरह हम लोग बनाते रहते हैं और ऐसे फ़ोन परचेस करने में बहुत पैसा खर्च होता है, आपको पता होगा। कुछ फ़ोन अगर मैं दिखा नहीं पाता ना कि लोग गाली देते कि भाई तेरे पास नहीं है तो कैसे बताएगा, तो भाई पैसा होना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारा फ़ोन मैंने परचेस किया अपने पैसे से, ठीक है उतना पैसा अर्न नहीं होता। आप लोग सपोर्ट करो भाई, और भी ज़्यादा फ़ोन हम लोग परचेस करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है। फिर आप भाई खुद ही समझदार हो, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई ये जो प्रॉब्लम टच इशू को लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हीटिंग और लैग इशूज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई आपका जो टच इशू, टच डिले, टच को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर जो साइट से एक बार निकल का था गेम इंजन आई गोगा उसके अंदर देखने को मिलता है, तो उसमें आप लोग को जाना पड़ेगा। जाने के बाद भाई पर सबसे पहले तो एक गलती आप लोग बिल्कुल मत करना कि गेम जो ये ई स्पोर्ट मोड है ना, इसको आप लोग इनेबल मत करना कभी भी, तो इसको इनेबल मत करना, टच इशू आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट भाई यहाँ पर ऊपर देखने को मिल सकता है बैटरी सेवर एक मोड है, नेक्स्ट है गाइस बैलेंस मोड और मॉन्स्टर मोड, आपको मॉन्स्टर मोड पर करके रखना है। उसके अगर आप लोग 90 पर खेलना चाहते हो तो आपको मॉन्स्टर मोड पर करना होगा, और आपको एक चीज़ करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो 90 जो है, तो यहाँ पर भाई एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन आप लोग देखने को मिल रहा है ये 90, इसको अगर आप लोग इनेबल कर दो, ठीक है ये 90 इनेबल आपका हो जाएगा, जो लोग जानते थे उसको बता देता हूँ। तो इसको ऑन करने के बाद आप लोग को सेटिंग पे जाना होगा और जो 120 उसको इनेबल करना होगा। अगर आप लोग 60 पर डिस्प्ले को करके रखा है तो आप लोग 60 Hz पर अगर आपने करके रखा है तो आप लोग अगर 60 पर भी गेम खेलोगे तो भी आपको टच डिले देखने को मिलेगा। तो ये पर आपको 120 पर करना है, जब भी आप लोग बीजीएमआई खेलते हो 60 पर खेलो या फिर आप लोग 90 पर खेलो, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग ये मॉन्स्टर मोड तो करना ही, अगर 90 आप लोग खेलना चाहते हो। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर टच में बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हो कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला गेम इंजन के अंदर आप लोगों को कंट्रोल सेटिंग बोलकर एक ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा। जाने के बाद ये पर देख सकते हो सेंसिटिविटी वगैरह आप लोग ऐसा हाई लो कर सकते हो, जो कि भाई दूसरे फोन के अंदर शायद देखने को मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ पो के फोन के अंदर देखने को मिलता है, तो अगर आपको स्लो लग रहा है, आपको अगर और भी ज़्यादा अपना टच को फर्स्ट करना है, तो ये पर इसको आप लोग हाई में रख सकते हो। मैं हाई पर रख के खेलते हो, मेरे को थोड़ा हाई सेंसिटिविटी पर खेलने का आदत है। तो अगर आप लोग लो में खेलते हो, लो भी इसको कर सकते हो, तो उधर आप लोग कस्टमाइज़ करके चेकआउट कर लें, उधर भी आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा। अगर क्लोज रेंज फाइट आप लोग करते हो या फिर आपको बीस्ट बनना है, आपको क्लोज रेंज या फिर बहुत ज़्यादा किल निकालना है, तो भी भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देख सकते हो फ्रेम रेट इंटरपोलेशन, इसके अंदर आप लोग फ्रेम रेट को बूस्ट कर सकते हो, 120 पर गेमिंग कर सकते हो। इस पर भी अगर आप लोग खेलते हो, अगर आप लोग मॉन्स्टर मोड को ऑफ रखते हो, तो भी गाइस आपका टच इशू कुछ फिक्स हो सकता है। तो भाई बाहर थोड़ा गाना वगैरह चल रहा है, इसके लिए वीडियो को मेरे को यही तक एंड करना पड़ा। मैं ये पर टच इशू को इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दिया, लेकिन जिन लोगों को हीटिंग इशू वगैरह देखने को मिल रहा है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर बना के दूंगा, कल ही आ जाएगा वीडियो। भाई सॉरी यार, थोड़ा आप लोग सुन सकते हो बाहर ये गाना वगैरह चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो अपने भाई के लिए, सॉरी भाई फिर से बता रहा हूँ। तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, कल वीडियो जरूर से जरूर अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आवाज़ की वजह से चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकते हैं कुछ, अगर कैसेट भी चलाएं या फिर भाई आपको एक्सपीरियंस जो है ना वो अलग मिल सकते, फिर मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा हट सकता है। इसके लिए भाई चलो यार कल वीडियो बना देते हैं, सॉरी भाई फिर से बता रहा हूँ। तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जिन लोगों को टच इशू जिन लोगों को भाई पर हीटिंग इशू और फोन के साथ भाई और बैटरी ड्रेन इशू ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, उसके लिए भाई नेक्स्ट वीडियो जरूर बना दूंगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वेट जरूर करना। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।